Rule sound, camera, action. Hi, I'm Parat Chadda. It's been 16 years of learning, rising and falling again. This hustle and the cycle never stops, but neither did I. I'm a casting director and a screen actor. Um, I've been uh, fortunate enough to. Um,

वो लोग करेक्ट टेबल पे नहीं पहुंच पा रहे थे तो आई वॉन्टेड कंपनी नेम टू बी ऑफ आई थॉट अबाउट वट आई वॉन्ट टू अचीव विद इट तो तभी ब्राइब विद टैलेंट कास्टिंग वॉज बॉर्न इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी सो फार इन द दंपनी टूडे वी आर एट ऑलमोस्ट फिफ्टीन हंड्रेड कमर्शल डाउन बट ट्वेंटी वेब सीरीज फिफ्टीन फीचर फिल्म बट फोटी टू और टी वी शोज एंड जस्ट बिगिनिंग अब तो शायद याद भी नहीं आता कितना पहले शुरू किया था बट अगर याद करने की कोशिश करूँ तो मैं uh, सोलह साल का था दिल्ली में था और uh, एक फैशन पार्टी में गया था वहाँ यू नो जो सबके साथ होता है यू गेट अट्रैक्टेड टू द ग्लिट्स द ग्लैमर पार्टीज यू नो कूल सेट ऑफ फ्रेंड्स मेरे साथ भी वैसा ही हुआ और अर्ली ऑन एलीट मॉडल मैनेजमेंट को मैंने जॉइन किया था अपने आई थिंक दैट वाज प्रॉब्लम वन ऑफ माय फर्स्ट कंपनीज जिनके साथ मैं काम कर रहा था तो मुझे कुछ समझ थी नहीं ऑनेस्टली बिकॉज मैंने कभी um, ना तो पढ़ा था इसके बारे में ना मैंने कभी विलिंगली uh, रिसर्च करने की कोशिश करी थी आई जस्ट लैंडेड अप एट अ पार्टी वेर आई फेल्ट यू नो इट्स अ गुड वाई एंड आई टू ऑफ सी वॉट वहां से दैट दैट फर्स्ट मोमेंट आई 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 थॉट टू गेट दिस दिल्ली में मॉडलिंग करी मैंने दो तीन साल uh, ठीक ठाक काम किया बट दिल्ली का काम बहुत लिमिटेड होता है एक मॉडल के लिए तो कॉन्स्टेंटली अगर काम किया भी तो सिमिलर स्टफ पे काम किया और वहाँ काम करने के बाद आई फेल्ट कि हाँ ये कुछ अच्छा है और यहाँ पे हम कुछ बना पाए शायद क्रिएटिव फील्ड है और मुझे दिल्ली के कल्चर से पापा का बिजनेस संभालने से जो यूजुअल एक होता है दिल्ली फैमिलीज में नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में मुझे उस चीज से थोड़ा परे भागना था वो अर्ली ऑन कॉन्शियसनेस पता नहीं कहाँ से थी बट एक थी कि Uh, खुद की आइडेंटिटी एक ढूंढना चाह रहा था और मुझे लगा कि किसी ऐसी फील्ड में ढूंढो जहाँ पे काम ना काम काम ना लगे और uh, यहाँ मुझे रैम शो चलना या किसी फोटोग्राफ के लिए पोज करना डेंट सीन लाइक वर्क टू मी एट ऑल वहाँ से मैं, मैं मैंने शुरुआत करी थी और फिर मुझे फॉर्चुनेटली एजुकेशन uh, करते करते मेरे फादर की एक ही डिमांड uh, uh, थी जो सब नॉर्थ इंडियन फादर्स की होती है कि पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद जो करना है उसके बाद करना तो मैं आई आई में पढ़ रहा था लोधी, लोधी रोड में और पहला साल ही था मेरा और मुझे लंदन की एक कंपनी से आ, कनेक्ट मिला मैं मॉडलिंग में काफ़ी काम दिल्ली में कर चुका था और उसके बाद मुझे लगा कि अभी नेक्स्ट क्या है बिकॉज मॉडलिंग में आप थोड़े टाइम के बाद सैचरेट हो जाते हो आप सोचते हो फिर नेक्स्ट क्या था और वो सत्रह अठारह साल की उम्र थी वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर तो मैंने लंडन की कुछ एजेंसीज में अप्लाई करना शुरू किया जिससे फॉर्चुनेटली मुझे एक कंपनी ने रिवर्ट किया दे मी टू ऑफर ऑफर अ दे मी ईयर एग्रीमेंट उसके लिए मेरा शिफ्ट होना लंडन जरूरी था और मैं फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था अपनी और बिजनेस में ही पढ़ाई कर रहा था तो एक यूनिवर्सिटी मुझे मिली जिन्होंने सेकेंड ईयर एंट्री अलाउ करी मेरी और मैं रोहैम्पटन रिचमेंट में अपना सेकेंड थर्ड ईयर फाइनल ग्रेजुएशन किया वहाँ दो साल मैंने मॉडलिंग करी मेरा एडवांटेज ये था कि मैं आई थिंक आई वॉज ओनली ब्राउन गाय जो उस रोस्टर का हिस्सा था तो मुझे लोगों को डिफरेंट हमेशा अच्छा लगता है हमें भी यहाँ और वहाँ लोगों को भी हम यहाँ वाइट स्किन के पीछे पागल होते हैं वो वहाँ ब्राउन स्किन के पीछे पागल होते हैं तो आई थिंक आई वॉज दैट आई वॉज द डिफरेंट वन द दर्ड वन आउट देयर एंड थिंग्स काइंड ऑफ वर्क आउट फॉर मी इन मॉडलिंग देयर कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया नेशनल लॉटरी लंदन के लिए टीवीसी किया इट वाज वाज काइंड ऑफ फॉर अ ईयर ओल्ड बॉय आई टी पेड बैक किया तो मुझे लगा यार ये नॉट बैड आई मीन वन दे आर वेरी प्रोफेशनल सेकंड यू नो गुड पॉकेट मनी ऑन द साइड तो कुछ सेविंग्स भी करी मैंने अपनी उसके दौरान ईयर टू मेरा खत्म होने वाला था अपनी कंपनी के साथ तभी मेरी थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी खत्म होने वाली थी तो so, मुझे एम का कॉल आया एम टी वी वॉन्टेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ स्पिविला अब थोड़ा सा रियालिटी को लेकर मैं उतना कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं था बिकॉज आई एम अदरवाइज ए रिजर्व गायफिन पुट माई सेल्फ आउट देर। तो मैं थोड़ा सा मुझे इनिबिशन था बट मुझे लगा कि यू नो अभी पढ़ाई खत्म हो रही है माई कॉन्ट्रैक्ट वॉज गेटिंग ओवर विद डेट कंपनी और ऑनिस्टली मैं थोड़ा होम सेक भी हो गया था आई वॉन्ट कम बैक माई कंट्री वो अपॉरचुनिटी को मैंने हाँ किया डेली में ही मेरा ऑडिशन हुआ और आई uh, थिंक वो एक ही सीजन है आउट आउट ऑफ ऑफ सीजन जो इंटरनेशनली uh, शूट हुआ था वो फुकैत में शूट हुआ था दिल्ली से ही हमें फुकैत लेके गए थे और uh, वो शो में जीत गया अब जीतने के बाद उन लोगों ने uh, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि हम विनर्स विल गेट अ शो टू होस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म और ऑनेस्टली मेरा मेन पुल uh, वो शो का वही था कि शायद मॉडलिंग के बाद एंकरिंग एक या विजय टू बी अ थिंग बैक देन शायद वहाँ कुछ यू uh, नो you know, और ग्रोथ मिले उस uh, दिमाग से मैं ये गया था शो पे और वो जीत गया तो अगले छः महीने तक मुझे कोई कॉल आया नहीं तो मैं दिल्ली में वापस आई गॉट बैक टू तो मॉडलिंग छः महीने के बाद मुझे कॉल आया दे वांटेड टू तो शूट माय शो तो मैं उसको लेकर एक्साइटेड हो गया और मैं बॉम्बे आ गया ये मेरी जर्नी है यहाँ तक की बॉम्बे लाने की एक बार मैं बॉम्बे आ गया तब एक्चुअली समझ आया कि uh, यहाँ चीज़ें होती ऐसे हैं तो पहले दो तीन साल तो एकदम ही कंफ्यूजन में निकल गए कि सही कर रहा हूँ सही कर भी रहा हूं कि नहीं और सही कर रहा हूं तो चीजें हो क्यों नहीं रही छह महीने मैंने वो शो को दिए जिसके लिए मुझे बुलाया गया था हमने बहुत राउंड ऑफ लुक टेस्ट किए बहुत कॉन्सेप्ट मेरे ऑडिशन हुए तो मैं एक्साइटेड था और मैं थोड़ा सा हाथ खर्चा खोल के रह रहा था यहाँ पे क्योंकि मुझे लगा यार अभी काम तो है ही हाथ में तो यू you नो know, अभी आएगा तो इससे और काम मिलेगा ठीक तो है यार मतलब फिर क्यों यू नो रहना है एक अच्छा तरीके से रहो अच्छे घर में रहो फॉर प्लान वो शो कभी हुआ नहीं और uh, कुछ मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से उन्होंने जितने नए शोज आ रहे थे वो सब सब स्क्रैप कर दिए देयर वॉज अ बॉय हैड अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच

आप उसके लिए अपनी फैमिली अपना घर अपना शहर सब कुछ छोड़ के आप एक नए शहर आ जाते हो और छह महीने आप उस पर काम भी करते हो ऑन एंड ऑफ और उसके बाद एक फोन आता है और सब खत्म हो जाता है तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ था तो मैं प्रॉबेबली इक्विप्ड नहीं था इसको हैंडल करने के लिए अपनी लाइफ में तो मुझे झटका लगा तो सही बट आई थिंक एक डेढ़ महीना में थोड़ा सा uh, I was very क्वेश्चनिंगल प्रोसेस एंड महीने में और uh, कुछ ऑडिशंस पे दोबारा जाना शुरू किया बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने तो रियलिटी शो किया है मेरे को तो एक्टिंग में कोई ट्रेनिंग है ही नहीं और uh, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है क्योंकि अगले छह महीने तक में ट्राई करता था uh, आरामनगर आके अब तो खैर अलग होगी सिचुएशन बट बैक देन एक बड़ा हॉल बुक किया जाता था चालीस कुर्सियां लगाई जाती थी चालीस लोग अंदर बैठे होते थे एक्टर्स लाइन में और उतने ही ज्यादा बाहर भी होते थे वेट करते हुए तो एक ऑडिशन लगभग चार से पांच घंटे आपके लेता था जिसमें शायद तीन मिनट का ऑडिशन होता था कैमरा के आगे और बाकी टाइम आप वेट कर रहे होते थे उस टाइम पर मैं रोज सुबह होके मोटिवेटेड हो गया था वापस के कुछ करना है रोज सुबह उठ के मैं अपना बैग बांधता था एक पानी की बोतल लेता था और आरामगर में आके जो जो हैं, पूछने पूछ के पहुंच जाता था मैं बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था काम करने का कॉन्फिडेंस था बट 50 लोगों के सामने एक एक्टिंग टेप दे देना का कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर तो मेरे पहले छह महीने गए चेयर टू चेयर अपनी वेटिंग टर्न वेट करता था मैं कब मेरी बारी आएगी और जब मेरी फाइनली बारी आती थी तो मैं उठ के वापस लास्ट में बैठ जाता था क्योंकि इतने लोगों के सामने कभी काम किया ही नहीं था मॉडलिंग में क्या होता है कि आप स्टूडियो में हो या आप आउटडोर हो छोटी सी टीम है मोस्टली आप आप दे रहे हो या यू नो ज्यादा कुछ अपनी हैलिटी नहीं देते वहां पे यहाँ क्या होता है हर आ, साबुन की कमर्शियल है या अगर कोई आ, टैल की कमर्शल है तो आप फिर वो इमेजिन कर रहे हो कि आप वाटरफॉल के नीचे हो आप टॉपलेस हो और आप फुल यू नो वो हंक मोड में हो वो कभी किया ही नहीं था तो उससे कभी उतना सोचा ही नहीं था कि वहाँ एक ऑडिशन मुझे चैनल वी का फोन आया और चैनल एक शो ऑफर किया बैक इन द डे जो एक फिक्शन शो था और स्कूबा डाइविंग के ऊपर बन रहा था क्योंकि आई थिंक बोथ चैनल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम्पीट करते थे बैक इन द डे उन्होंने कुछ टाइम बाद रियलाइज किया कि ये विनर जो है लास्ट सीजन का इसका शो नहीं हो रहा है तो उन्होंने मुझे एक शो ऑफर किया मैंने वो शो लिया गोवा गए हम लोग पांच दिन हमने प्रोमो शूट किया नितिन कक्कड़ सर ने डायरेक्ट किया था हमें जिन्होंने बहुत अभी अक्लेम्ड फिल्म बनाई है फिल्म स्थान उनकीम्ड you know, फिल्म है और नितिन सर वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिगर समथिंग इन मी जिससे मुझे एक्टिंग की थोड़ी समझ आने लगी मुझे याद है अगर मैं आपको बताऊं वो सीन तो उस सीन में मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को गोली मार रहा हूं और अगर मुझे बचना है तो मुझे उसको मारना जरूरी हो जाता है और उस शॉट से पहले मैं बाकी एक्टर्स के साथ बैठ के वैनिटी में हंस रहा था जोक्स मार रहा था और नितिन सर मुझे बहुत दूर से देख रहे थे और पंद्रह मिनट बाद वो मेरे पास उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और मुझे बोला तुम क्या कर रहे हो मैंने बोला क्या कर रहा हूँ सर वेट कर रहा हूँ आप रेडी हो जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा तो तुमसे नहीं होगा तुम तुम बैठो तुम्हारे तुम्हारे बस की नहीं है ये करना तो मैंने बोला ऐसा क्या कर दिया मैंने तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट सीन होने वाला है जिसमें हाई इमोशन बहुत हाई है तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को यू गोइंग टू शूट हर इन द हेड और तुम यहाँ हंस रहे हो और तुम यहाँ जोक्स उड़ा रहे हो और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो उस मूड में कौन आएगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हर सीन के पीछे प्रिपरेशन होती है एक माइंडसेट में घुसना पड़ता है आपको उन सिचुएशंस uh, को अपने जिंदगी में अलाइन uh, करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि आप कैसे बिहेव करोगे अगर आपके साथ जेनविनली कुछ हुआ और वही हुआ मेरा बेस्ट uh, फ्रेंड uh, को मैंने इमेजिन किया एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड को अपने दिमाग में और वो इमोशन के साथ मैंने वो सीन प्रिपेयर किया और वो सीन जब शूट हुआ तो बाय द एंड ऑफ द सीन बाय डिफॉल्ट मेरे आंख से आंसू आ रहे थे ये थोड़ा सा लगता है कि फिल्मी है बट ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ तो आई थिंक एक करेक्ट डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपको एक करेक्ट पाथ दिखाने में कमिंग बैक टू आई रियली इज के यू नीड टू नो द पाथ वेर यू वॉन्ट टू ट्रेवल अगर आपके पास कोई मैंटोर नहीं है कोई समझाने वाला नहीं है तो बम्बे जैसे शहर में आपके पहले दो तीन साल तो ये जानने में लग जाते हैं कि आप करोगे कैसे और क्या करोगे तो वो एक बहुत बड़ा गैप है उसको लेकर तो बॉम्बे आने के बाद वो हमने कमिंग बैक टू द शो जो हमने गोवा में हमने पायलट शूट किया उस शो का वापस आने के बाद प्रोड्यूसर्स और और हमारे डायरेक्टर बहुत एक्साइटेड थे चैनल बहुत एक्साइटेड था और ये बोला गया कि तीन महीने आप अपने काम अपने आप पे काम करें तीन महीने बाद हम लोग ऑन फ्लोर जा रहे हैं और यू नो यू कान टेक अप जस्ट वर्क ऑन दिस इज द थिंग दैट हैज कम दे मी एंड आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट एंड महीने हो गए और कोई कॉल नहीं आया वहाँ से तो मैं पहले मैंने बिलीव नहीं किया कि कुछ गलत होगा यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी पॉजिटिव विद योर ओन वर्क तो कुछ दिनों बाद तीन महीने के मैंने कॉन्टैक्ट किया उन लोगों को और मुझे पता लगा कि वो शो नहीं हो रहा है मेकर्स uh, और चैनल uh, के बीच में कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए थे इसकी वजह से डिसाइड हुआ कि वो शो नहीं हो रहा है so there i was one year down in the city uh, being constantly on set but neither did i make any money nor did i have any work that released um, that i think was a point where i felt this is not for me because um, to be able to sustain for, uh, for somebody who doesn't come from a filmy background in a city like this it's expensive इट ऑल्सो प्लेस वेरी हेविल ऑन योर माइंड यू स्टार्ट थिंकिंग वेदर मे बी यू आर नॉट गुड इनफ मे बी आपकी वजह से ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं मे बी आप uh, इसके लिए नहीं बने हो तो लगभग ऑलमोस्ट मन बना लिया था कि अभी एक साल में जितना झटका लगा है सब सेविंग्स खाली हो गई हैं डैड इज हेल्पिंग कॉन्स्टेंटली तो कितना टाइम तक आप हेल्प लोगे और कितना टाइम तक पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे माय पेरेंट्स हैव बीन द सुपर सपोर्टिव पेरेंट्स दैट एनीबॉडी कुड विश फॉर दे हैव ऑलवेज टिल टुडे आई मीन आई हैव बीन हियर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक आई मेक अ डिसेंट लिविंग हियर नाउ बट आज uh, तक व्हेनेवर माय डैड कॉल्स हिज ओनली क्वेश्चन इज पैसा चाहिए

वो आई थिंक uh, एक रियलाइजेशन था कि शायद ये मेरे लिए है ही नहीं तो आई थिंक मेरा एक uh, मेरे एक मैंटोर बैक इन द डेज एक लर्नेड uh, डायरेक्टर uh, मुझे मिले थे uh, वो भी अपनी पहली फिल्म ढूंढ रहे थे उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए थे और मुझे याद है वर्सोवा में सी uh, होता था बहुत पुराना वहाँ पर अक्सर फिल्म दुनिया के लोग आते थे और एक दूसरे से मिलते थे और uh, यू नो स्क्रिप्ट सुनाते थे और अपने आइडियाज बोलते थे और तो वो एक रेगुलर लोग होते थे वहां पे मतलब मैं सालों तक उस जगह पे जाते रहा पर वो शक्ल वो शक्लें नहीं बदली तो उस याद है मुझे मैं वो कॉफी शॉप में बैठा था और मैंने बोला अभी आ, ये हुआ है मेरे साथ और एक साल में ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट टेक ऑफ हुए नहीं है और करूं तो क्या करूं तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी कि अगर यहाँ रहना है तो पैसा तो जरूरी है ही बट अपना दिमाग ऑक्यूपाइड रखना बहुत जरूरी है नहीं तो आप इट्स अ वेरी लोनली सिटी मैंने उनसे पूछा तो आप अब आप ही बताएं कि अगर ये नहीं तो फिर क्या वो तो ऐसा कुछ करो जिससे तुम एक्टिंग से भी जुड़े रहो और तुम्हें थोड़ी सी एक यू नो कॉन्फिडेंस भी मिले बाहर जाने का और थोड़ी इनकम भी जनरेट हो जाए तो मुझे लगा पता नहीं वो क्या हिंट कर रहे हैं तो मैंने पूछा उनसे उन्होंने मुझे बोला कास्टिंग में ट्राई करो या असिस्टेंट डायरेक्शन में ट्राई करो बोला यार अब ये सब चीजें तो आर मोर लाइक अ जॉब मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ और मेरे फादर इज अस मैन मेरी सोच ये बोली कि अगर बिजनेस ही करना है तो अपने बिजनेस को बढ़ाऊ जाके वहां पे यहाँ पे किसी के लिए नौकरी करने थोड़ी आया हूँ बट ही ही स्पोक वेल एंड ही लर्नड एंड ही एबल टू कन्विंस मी दैट यू नो अ जॉब इन असिस्टेंट डायरेक्शन और कास्टिंग वुड ओपन अप मोर एवेन्यूज मी एंड कि चलो इम्पॉर्टेंट uh, है दिमाग को ऑक्यूपाइड रखना नहीं तो सारे वियर्ड थॉट्स दिमाग में आते हैं कि यू नो सेल्फ डाउट करते हो अब अपने आप को तो वहां से मैंने फिर कास्टिंग अपॉर्चुनिटीज कास्टिंग जॉब्स ढूंढनी शुरू करी अपने लिए uh, कुछ उनके रेफरेंसेस थे कुछ मेरे दोस्त यार बने थे तो कुछ ना कुछ करके आई लैंडेड इंटरव्यू विद यशराज फिल्म एंड मेरे लिए वो बहुत अलग दुनिया थी क्योंकि मैं फैशन से आता था यहाँ पे दो लोगों के साथ काम किया था बस एक साल में तो मैंने कभी फिल्म इंडस्ट्री पर से देखी नहीं थी कि फिल्म्स में क्या होता है या फिल्म्स कैसी बनती हैं या यशराज का ग्रैंड क्या है स्केल क्या है बस फिल्में देखी थी उनकी उससे ज्यादा कुछ नहीं था एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन देअिस कास्टिंग असिस्टेंट जॉब विद एंडली स्मिटन में वो फैशन पार्टी वाली नाइट हुआ था वैसे ही स्मिटन में के स्टूडियो को देख के हो गया आई सॉक्टर्स वॉक राइट पास बाई मीड दे प्लेस वेयर एक्शन इज हैडी विल कम एंड You know, notice that I want to be an actor and take me in a film, and it will be a Yash Raj film. So I started working there uh, at a nominal salary. Um, I was not able to make any money, but I was able to get that confidence that I can make money. Ban Baja was the first film that I assisted on, and uh, it was a fun sort of project that, uh, you know, uh, unaware and uh,

Uh, बहुत सारे लोगों को ऑडिशन किया तो ऑटोमेटिकली एक्टिंग की थोड़ी थोड़ी समझ वहां से मुझे आने लगी कि लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं लोग लाइंस कैसे डिलीवर करते हैं ठहराव क्या होता है इमोशन uh, क्या होता है आपको कैरेक्टर जैसा दिखना कितना जरूरी होता है तो ये सब चीजें जब आप इतने नंबर में यू आर सिटिंग एट द टॉप प्रोडक्शन हाउस इन द कंट्री एंड यू आर मीटिंग लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल देयर दैट आई थिंक हेल्प मी गेट मोर एक्साइटेड अबाउट बिकमिंग एन एक्टर वहां मैंने एक साल काम किया टाइगर <coughs> द लास्ट फिल्म दैट आई वर्क ऑन एट वाई बट एक साल में मुझे ये बात समझ आ गई कि यहाँ बॉम्बे में जिस नौकरी में आप या जिस पेशे में आप किसी से मिलते हो वो उतना ही सोचता है आपके बारे में वो आप किसी के पास यहाँ टाइम नहीं है कि ये ऐसा भी हो सकता है या ये ये भी कर सकता है कोई नहीं सोचता है आप अगर किसी को कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले हो आप कास्टिंग असिस्टेंट हो या कास्टिंग डायरेक्टर हो तो वो उन, उनके पास टाइम नहीं है वो सोचे कि आप शायद एक्टर भी हो और उस टाइम तो मैंने कुछ किया ही नहीं था मैं तो अभी बस पैदा हो रहा था एक्टिंग में तो कुछ नहीं हुआ मेरा वहां पे तो एक साल बाद रियलाइज हुआ कि यहाँ शायद कुछ होगा भी नहीं बिकॉज तो एक प्रोफेशनल सेटअप है एक कॉपरेट सेटअप है वहां पे आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वही वही आपको उतना ही काम और उतनी ही टेंशन आपको मिलती है वहाँ पे पर बनना तो एक्टर था और वो हमेशा दिमाग में था कि प्रायोरिटी वही है प्रायोरिटी वही है बाकी सब कुछ मैं जो कर रहा था ना वो उसको बैक करने वो ड्रीम को बैक करने के लिए कर रहा था एक साल वहाँ कर काम करने के बाद समझ आ गया कि एक्टिंग में तो डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पे सेम सी पे सेम इंसान के साथ फिर एक साल बाद मैं परसोवा में बैठा था तो फिर उनको वो बताया कि आपने बोला कास्टिंग कर लो तो कास्टिंग भी कर ली कुछ सात या आठ फिल्मों मैंने मैंने काम किया उस एक साल में तो मुझे एक्सपीरियंस तो काफी आ गया था मेरे फिल्म्स में कुछ क्रेडिट्स भी आ गए थे तो उनको पूछा मैंने कि अब क्या करूं अब तो ये भी मतलब लग रहा है कि ना पैसा ज्यादा मिल रहा है ना एक्टिंग में कोई नोटिस कर रहा है वहां पर ना कोई मौका मिल रहा है ऑडिशन भी नहीं मिल रहा था मुझे तो उन्होंने बोला अब तेरे पास एक्सपीरियंस है अब तो कंपनी खोल तो मैंने बोला कंपनी खोलना इज नॉट इंटेंशन बिकॉज Uh, वही करना होता I said, I you you तो आई आई सेड वुड हैव बीन बैक होम इन दिल्ली विद माय फैमिली। पर उन्होंने नहीं है एक साल काम किया टैलेंट हुआ तो हुआ, हुआ तो कास्टिंग uh, का नाम सोचा अगले दिन डैड को फोन किया और बोला ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ उन्होंने बोला प्लीज गो फॉर इट इफ यू थिंक दिस इज राइट अगले हफ्ते कंपनी रजिस्टर हुई और मैं पहले तो उस टाइम पे एनर्जीज और डेस्टिनी में नहीं मानता था बट तो जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उन चीजों में फेथ रिस्टोर हो रहा है वापस दैट गॉड हैज अ प्लान एंड द सेम डायरेक्टर हु टोल्ड मी एंड सजेस्टेड मी टू अ कंपनी एंडेड अप गेटिंग हिज फर्स्ट शॉर्ट फिल्म

दो चार पाँच करोड़ वाली स्मॉल बजट फिल्म मुझे मिली आ, कुछ एक्टर्स के साथ कुछ प्रोडक्शन हाउसेज के साथ मैंने वो फिल्म सेटअप करी इंडिपेंडेंटली बाई द टाइम आई हैड गॉट एन एन हैंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क एंड कास्टिंग में क्या चाहिए कैसे ऑडिशन करना है वो सब प्रोसेस मैं अच्छे से सीख चुका था बिकॉज कैमरा हैंडलिंग से लेकर स्लेट भरवाने तक लेकर सब तो किया था वहाँ पे तो ग्राउंड नॉलेज मुझे आ गई थी और उस टाइम पे मैं अकेला ही काम करता था मेरी कोई टीम या कोई असिस्टेंट नहीं था I was just starting off, तो मैं कैमरा भी खुद ही करता था क्यू भी खुद ही देता था तो मल्टीपल चीजें करने के बाद आप दिमाग आपको ऑटोमेटिकली सीखने लग जाता है फिर मेरी लाइफ में टेलीविजन आया क्योंकि एक परसेप्शन है कि अगर आप फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर हो और फिल्म्स करके आते हो तो टेलीविजन में आप नए चेहरे दे दोगे कुछ कुछ यू you नो know, ऐसे चेहरे जिनकी अभी तक विजिबिलिटी नहीं हुई है या ऐसा कुछ और वही मेरे साथ हुआ एडवांटेज uh, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ने का यह है कि आपको लोग जानने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा तो एक प्रोडक्शन हाउस ने मुझे कॉल किया उनका एक स्टार प्लस का शो आ रहा था और दे वांटेड मी टू बी द कास्टिंग डायरेक्टर ऑन द शो मैं ऑनेस्टली बहुत स्केप्टिकल था बिकॉज आई केम फ्रॉम यशराज फिल्म एंड यू नो दैट काइंड ऑफ सेटअप एंड लैविश एक फिल्म सत्तर सत्तर दिन में शूट हो रही है टेलीविजन का सेटअप बहुत अलग होता है इससे तो मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली बताऊं, आई लुक डाउन अपॉन टीवी दैट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई फेल्ट के फिल्म एंड यू नो फिल्म फीचर फिल्म आर फॉर मी आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू टेलीविजन फनी स्टोरी वेन आई दैट प्रोडक्शन हाउसूसिंग द टी वी शो फॉर स्टार प्लस कॉलिंगलीप्ट सेम बट दे परस्यूड मी फॉर क्वाइट सम टाइम And uh, they uh, asked for a meeting if I could meet them. They lured me in with saying that they have a film project coming also, and uh, I was sold. And I said, "Okay, let's meet and discuss." But I was very clear by that time that I don't want to take that that TV show up. Um, I walked into their office uh, thinking if that topic came up, I mean, if they wanted me to cast the show, I would think of such an obnoxious price to quote that they will disagree. And they will tell me i lost my mind. And exactly what I did, that conversation came up. I, I gave them a noxious casting fees. And to my surprise, they agreed to it. Like in a jiffy. And uh, there I found myself not being able to say no after that. I took up on that show. And uh, first time I ever got to put uh, over 120 actors in one project. Uh, that is how I... Um, Understood my mistake of underestimating the uh, the television industry for the amount of work that was available there and also the amount of stability that was available there. Um, did that show, made better money than I was making in films, and my business brain told me that uh, this is where I might find my financial independence. And you're looking at a 22, 23 year old boy back then. Um, I then religiously started, sort of, you know, speaking to television production houses, getting shows on board. I remember there were two years of my life when I was doing more than three shows at a time. And when you do one show, it's in itself a big task because when you are setting up a primary casting, which consists of at least 11, 12 people, one, six people, in the family. Six people in the family

I need to be able to in a position where I don't take up a role because they're paying me a certain amount or I don't leave a role uh, based on the budget. Uh, that was an early detection that I had in my head. And television then didn't stop for me. In the span of five years, I, I set up about 42 odd shows for GEC. Some of them went to be really, really popular on Indian television. and some of them actually uh, were with fantastic actors.

बट जैसे अट्ठारह एपिसोड सावधान इंडिया के किए कहीं ना कहीं जो एपिसोड वन में प्ले किया वो वापस एपिसोड फिफ्टीन में प्ले किया और वहां सैचुरेशन डेफिनेटली फील हुआ कि घुमा फिरा के फिर मैं वही चीजें कर रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ पहले और एक्टिंग में उसल नहीं घुसा था एक्टिंग में कुछ नया करने को मिलेगा नए नए किरदार प्ले करने को मिलेंगे नई लाइफ में आप घुसेंगे

डिवाइस uh, जरूर करना पड़ेगा और उस पर रिलेंटलेस होकर चलना पड़ेगा uh, पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है शहर के बारे में कि आप अगर यहाँ पे टिक गए तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा टाइम की गारंटी नहीं है बट यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट टिल द टाइम यू फील योर देर एंड विद दिस आई लाइक टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड मे वट एवर यू कम योर फॉर गेट फुल